हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। ये वीडियो यूपीएसआई परीक्षा के एक मॉक टेस्ट के रूप में है, लेकिन ये मॉक टेस्ट पिछले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। यानी कि इस मॉक टेस्ट में गणित के साथ साथ मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। सभी प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई है? सिर्फ 10, ठीक है। और हर प्रश्न का विकल्प आपको नहीं दिया गया है। आपको करना क्या है कि अगर आप चाहें तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को कंटिन्यू रखकर उसके सॉल्व को भी आप देख सकते हैं और अपने जो क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है वो आपके लिए है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी कि कोड भाषा में 3 5 7 9 6 को 4 4 8 8 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 5 7 9 3 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संख्या है 3 5 7 9 6 और इसको कोड भाषा में लिखा जाता है 4 4 8 8 7 यानी 4 4 8 8 7। तो अगर आप इस दोनों ही संख्याओं को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, 4 बन जाता है। 5 में से अगर आप 1 घटा देते हैं तो बन जाता है 4। 7 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 8 मिलता है आपको। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 मिलता है आपको। इसी तरीके से 6 में से 1 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो यही नियम हम दी गई संख्या के लिए भी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या संख्या मिलेगी, देख लीजिए। 5 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो 6 प्राप्त होगा। 7 में अगर आप 1 घटा देंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। 9 में 1 आप जोड़ देंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। 3 में से 1 घटा दीजिए 2 और इसी तरीके से यहाँ पर 5, यानी कि आपकी सही संख्या है 6 6 1 0 2 5 यानी कि 6 6 1 0 2 5 और ये आपकी अभीष्ट संख्या है, यानी कि यही संख्या आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 3 और 4 में भिन्न पद आपको ज्ञात करने हैं, यानी कि 2 3 और 4 में कुछ शब्दों का एक सेट दिया गया है, आपको उनमें से जो पद बिल्कुल अलग लगता है, भिन्न लगता है, वो आपको चयन करना है अपने उत्तर के रूप में। तो दूसरा प्रश्न देखिए और इसके विकल्प आप देखिए। दूसरा प्रश्न है ए वृत्त, बी आयत, सी वर्ग और डी त्रिभुज। तो अब आप इसमें से एक अलग पद को चुनिए और सही पद क्या है, सही पद है वृत्त, क्योंकि आयत, वर्ग और त्रिभुज इन तीनों को बनाने में लाइंस यानी कि रेखाओं का प्रयोग होता है, जबकि वृत्त को बनाने में किसी भी लाइन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ए दूध, बी पानी, सी आइसक्रीम या डी चाय। इसमें से जो पद आपको अलग लगता है उसका चयन कीजिए और सही है आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम जो है ये सॉलिड है, बाकी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ब्लेड, बी कैंची, सी सुई, डी कुल्हाड़ी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पद भिन्न है, अलग है सबसे। तो आप देख रहे हैं कि ब्लेड, कैंची और सुई और कुल्हाड़ी में से कुल्हाड़ी सबसे अलग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में कुल 35 लड़के हैं जिसमें रमण का दाएं से 15वां स्थान है, रमण का स्थान बाएं से क्या होगा। यानी कि एक लाइन है जिसमें से अगर आप देखें, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, तो यहाँ से रमण जहाँ पर है उसका स्थान है 15वां, ठीक है। अब आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड से रमण किस स्थान पर होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि रमण जो होगा दोनों में कॉमन होता है, इसलिए यानी कि जो भी लड़का बीच में होता है वो दोनों संख्याओं में आता है। तो अगर आप देखें तो कुल लोगों की संख्या कितनी है, कुल लड़के हैं 35, रमण किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रमण से पहले 20 लोग हैं, लेकिन रमण तो यहीं पर है, यानी कि 20 धन 1, रमण का स्थान कितना होगा, 21वां स्थान होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी लोग होते हैं उसमें से मध्य में जिस स्थान पर लड़का होगा उसको घटाने के बाद उसमें से 1 जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को हल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मैं उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी चलता हूँ। फ्रेंड्स हमेशा मैप को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैप जब भी बनाइए तो आप एक क्रॉस बना लिया कीजिए, आपका बिल्कुल जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है ईस्ट, उसके अपोजिट में होता है वेस्ट, ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या होता है साउथ, ठीक है। यस, तो इस तरीके से अगर आप हमेशा दिमाग में रखेंगे इस फिगर को तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मैं उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी चलता हूँ, ये होगी उत्तर दिशा की ओर ही कुछ दूरी चल रहा है वो, तथा उसके बाद दाएं, अगर आप इस दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दाएं आपका इस दिशा में होगा, आप इस दिशा में मुड़ रहे हैं दाएं, फिर अगर आप इस दिशा में हैं यानी कि आपका मुख जो है वो पूरब की दिशा में हो रहा है, और उसके बाद आपका जो बाएं होगा वो उत्तर दिशा में हो जाएगा, फिर आप बाएं घूम जाते हैं, बाएं घूमने के बाद फिर दाएं घूम जाते हैं पूर्व दिशा की ओर, और फिर अंत में बाएं मुड़ते हैं। तो पूछ रहा है कि अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर आपका मुख ऊपर की तरफ जा रहा है इस फिगर में तो ऊपर दिशा कौन सी मानी जाती है, नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से इसको आप इस फिगर को जरूर याद रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 528 528 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम क्या होता है SCF, ठीक है, कितना है 33 है। इसके अनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो जोड़ा है वो पहली जो संख्या होगी वो होगी 33A, दूसरी संख्या कौन सी होगी 33B, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, 33A धन 33B बराबर 528। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 33 दोनों में कॉमन है तो आप लिख सकते हैं 1A + B इक्वल टू 528/33, क्योंकि 33 दोनों में कॉमन होगा तो ये बाहर निकल आएगा, यहाँ पे आएगा और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 528/33, इस तरीके से अगर आप ज्ञात कर रहे हैं तो A + B यानी कि ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इस तरीके से अब आप जो जोड़े बनाएंगे उस इस तरीके से बनाएंगे, अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी 15 होगी, दोनों को जोड़ के आप 16 बना सकते हैं। दूसरी संख्या 2 है, दूसरा जो पेयर होगा 2 होगा उसमें पहली संख्या, तो दूसरी संख्या की 14 होगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 3 तो दूसरी 13, पहली संख्या 4 तो दूसरी 12, 5 तो 11, 6 तो 10, यानी कि दोनों को जोड़ने पे योग कितना होगा 16। अब इसमें से आप देखिए कौन से जोड़े ऐसे हैं जो आपस में प्राइम नंबर्स भी हैं, 3, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, 5, 11, 6, 10 और 7, 9। तो इन जोड़ों को आप इसमें से अगर आप निकाल देते हैं जो जोड़े आपने प्राप्त किए हैं तो आपके पास सिर्फ 4 जोड़े बचते हैं, 1, 15, 2, 14, 4, 12 और 8, 8। इस तरीके से आपको इस तरीके के 4 जोड़े प्राप्त होते हैं और यही आपका उत्तर भी है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। फ्रेंड्स इस तरीके में अगर आप देखें तो ए का वेतन और बी का वेतन अगर होता है 100 रुपये तो ए का वेतन हो रहा है 150 रुपीज़। अब आपको ज्ञात करना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करने हो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ए के वेतन के सापेक्ष आपको प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है, तो जितना भी अधिक वेतन है उसको नीचे रखिए जिसके सापेक्ष आपको वेतन में कमी ज्ञात करनी है। 150 हो गया, ये 100 हो गया, और कितना एक्सेस में है ए का वेतन या कितना कम है बी का वेतन उसको यहाँ पे रख लीजिए। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 50 को अगर आप यहाँ करेंगे तो 3 होगा, और अगर आप 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 33 1/3% लेस, यानी बी का वेतन ए के वेतन से 33 1/3% कम है, ठीक है। तो इस फार्मूले को अब आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और आपके काम आएगा, ये क्विक मेथड है, शॉर्ट मेथड है और इससे आपका समय भी बचता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं, एक स्थान है दिल्ली दूसरा है आगरा, दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, यदि उनकी गति यानी एक बस की गति है 38 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की गति है 37 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव उनकी जो स्पीड होगी कितनी होगी। आपको दोनों गति, जो कि दोनों बसें एक दिशा में चल रही हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन चल रही हैं,
तो उनका जो जो रिलेटिव मोशन होगा उनके मोशन का योग होगा, यानी कि 37 और 38 इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, ये उनका रिलेटिव स्पीड होगा। और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 300। तो कितना समय लगेगा एक दूसरे को प्राप्त करने में या क्रॉस करने में, तो आपको क्या करना होगा, 300 में अगर आप 75 से भाग दे देते हैं तो आपको 4 घंटे मिलते हैं, यानी 4 घंटे के बाद दोनों बसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए अंतिम प्रश्न आपके लिए, एक व्यक्ति को रुपये एक में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक रुपये में 12 संतरे बेच रहा है तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया, 1/12 रुपये, ठीक है। लेकिन 1/12 रुपये में जब संतरे बेच रहा है तो उसे प्रतिशत हानि कितनी हो रही है, 20% की। यानी कि अगर आप देखें तो जो कास्ट प्राइस है संतरे की, एक संतरे की कास्ट प्राइस कितनी होगी, वो होगी 112 = 80/100, ठीक है, सॉरी 112 = 100/80। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका क्या उत्तर आएगा, यानी 20 × 80 20/2500, और यहाँ पे क्या होगा 5/48, यानी कि जो कास्ट प्राइस है एक संतरे की वो कितनी हो रही है, 5/48, ठीक है। यहाँ पे संख्या थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको आप लोग थोड़ा 48 मानिएगा, ठीक है। 5/48 रुपये में आपको एक संतरा जो है वो प्राप्त हो रहा है, यानी कि कास्ट प्राइस हो गई। उसके बाद अगर आपको 20% गेन करना है, यानी कि आपको एक रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं कि वह व्यक्ति 20% गेन करे, यानी कि फ़ायदा ले सके, तो क्या होगा, तो एक संतरे की जो कास्ट प्राइस होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो होगा 5/48 × 120/100। और अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1/8, मतलब कि एक संतरे की जो कास्ट होगी वो 1/8 रुपीज़ होनी चाहिए, यानी कि एक रुपये में 8 संतरे अगर वह व्यक्ति बेचे तो उसे जो है 20% का लाभ भी होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बहुत ही तेज़ी से इन 10 विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया, क्योंकि समय बहुत कम है और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अब डिस्कशन मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए अब हम लोग ऐसे डिस्कशन ही शामिल करेंगे जिसमें आप बहुत प्रकार के प्रश्नों को देख सकें और विभिन्न प्रकार के जो विधि है, मेथड है, ट्रिक्स है, उसको आप जान सकें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।